हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम बैरोमीटर और मैनोमीटर देखेंगे। बैरोमीटर लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, इस लेक्चर में मैनोमीटर में डिस्कशन करेंगे और हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बैरोमीटर का वर्किंग हम समझ चुके थे, मैनोमीटर देखते हैं। हम किसी भी जगह पर प्रेशर अगर फाइंड करना हो तो निकाल सकते हैं, यूज टू फाइंड प्रेशर एट अ गिवन रीजन। और दूसरा इसका यूज होता है प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए। दूसरा क्या यूज है? टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। तो ये डिवाइस हमें कैसा दिखता है? सपोज ये हमारा कोई कंटेनर टाइप का है, इसके अंदर का प्रेशर हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, मैनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। यू ट्यूब टाइप का होता है, यू शेप का, यू शेप का होता है और इसका एक एंड इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये कुछ जॉइंट टाइप का है, इस यू को हमने कनेक्ट कर दिया इस ए से और दूसरे एंड पे, दूसरा एंड हमारा ओपन रहता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा लिक्विड भरा रहता है। तो सपोज हमारा लिक्विड इतना हाइट राइज करता है जब हम इसे लगाते हैं इस ए पर। अब प्रेशर हमारा सेम लेवल पर सेम रहेगा, ये पॉइंट मान लेते हैं पी और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं सेम लेवल पे क्यू। पी ना मान के इसे एम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एन, क्योंकि हम प्रेशर को पी से डिनोट करेंगे। लिक्विड कितना राइज कर चुका है, एच हाइट। एम पर प्रेशर कितना होगा, जो हमारा ए पर होगा, एम के ऊपर किसका रीजन है, ए का। तो जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही हमारा एम पर होगा। तो प्रेशर एट एम हमारा कितना आया, प्रेशर एट ए के बराबर। इस एन पर कितना प्रेशर आएगा, एक तो ओपन एंड है तो एटमॉस्फेयर की वजह से आएगा, पी ए टी एम प्लस हाइट की वजह से कितना प्रेशर, रो जी एच। तो हमने यहाँ पर प्रेशर देखा जितना, यहाँ पे वही सब रीजन पे इतने रीजन पर रहेगा। तो पी ए और एन पर कितना आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए टी एम प्लस हाइट की वजह से रो जी एच। रो क्या है हमारा, इसका डेंसिटी। तो यहां पे नाउ प्रेशर एट एम हमारा एन के इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वेट करते हैं तो पी ए इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच। तो प्रेशर एट ए हमें पता चल गया पी ए टी एम प्लस रो जी एच। अब यहां पे अगर हमें गेज प्रेशर पूछा जाता, गेज प्रेशर एट ए, तो हम गेज प्रेशर के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे।
गेज प्रेशर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है प्रेशर या फिर कितना कम प्रेशर है। तो अगर गेज प्रेशर पॉजिटिव है तो प्लस रो जी एच होता है, अगर नेगेटिव है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो यहाँ पे माइनस रो जी एच यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पी ए माइनस पी ए टी एम करें तो कितना आया रो जी एच, यही है हमारा गेज प्रेशर एट ए। तो गेज प्रेशर एट ए कितना है रो जी एच। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। सेकेंड केस देखते हैं प्रेशर डिफरेंस का, सेकेंड प्रेशर डिफरेंस। तो हमारे पास दो रीजन्स है, ये ए, इसे कनेक्ट कर दिया हमने, हमें ए पर और सपोज इस बी वाले रीजन पर प्रेशर डिफरेंस देखना है। तो हमने यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, इसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ ऊपर राइज करता है, कहीं भी कर सकता है, ये वाला इधर भी कर सकता है या फिर इधर राइज कर सकता है। हम क्या करेंगे, बेस लाइन कंसीडर कर देंगे क्योंकि सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा। तो इस पॉइंट पर जितना ए पर प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे एक्ट करेगा, जितना बी पर प्रेशर होगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा पी बी, और ये वाली हाइट की वजह से रो जी एच आएगा। तो एम और एन ले लेते हैं, तो प्रेशर एट एम हमारा कितना आ गया पी ए के बराबर, प्रेशर एट एन कितना आएगा पी बी प्लस इस हाइट की वजह से रो जी एच। अब यहां पे क्योंकि ओपन एंड नहीं था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करेगा, तो यहां पे नाउ हमारा प्रेशर एम और एन पर क्या है इक्वल है क्योंकि सेम लेवल पर है और लिक्विड हमारा सेम डेंसिटी का है। तो पी ए इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच। तो यहाँ पे हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो जी एच, ये आ गया हमारा प्रेशर डिफरेंस फॉर द गिवन ए एंड बी रीजन्स। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हमारे पास दो सिंपल क्वेश्चन हैं। पहले में हमें क्या गिवन है, हमारे पास ये वाटर है एच हाइट तक, वाटर हमारा एच हाइट तक है, मरकरी बाकी में भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर तक, और इन दोनों का एंड ओपन है। हमें पूछा गया अगर ये इक्विलिब्रियम में है
मतलब अब ये वाटर ना नीचे आ सकता है ना ही ऊपर जा सकता है। तो हाइट कितना आएगा, एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सेम लेवल पे प्रेशर को क्या कर देंगे, सेम। तो दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पर प्रेशर कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। यहाँ पे भी पी नॉट एक्ट करेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ पे डेंसिटी कौन सा यूज़ करेंगे, वाटर का, तो रो वाटर। बी पॉइंट पे पी नॉट प्लस ये वाला लिक्विड कॉलम कौन सा है, मरकरी का, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू ये हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एस आई यूनिट में पुट करेंगे, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, जी से हमारा जी भी कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल। अब हमारे पास इतना इक्वेशन बचा, तो रो डब्ल्यू जी, या फिर एक काम करें, एच इक्वल टू रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू इंटू 10 × 10^-2, क्योंकि जी और जी कैंसिल हो जाएंगे। तो हाइट आ जाएगा यहाँ से हमारा कितना आएगा, एच इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, 13,600 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1,000, 10 × 10^-2। 10^-2 से ये दो जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हाइट आ गया हमारा 1.36 मीटर्स। ये आ गया हमारे पास आंसर। सेकेंड वाले में क्या फाइंड करना है, खुद से कर सकते हैं पॉज करके और इसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमारे पास पिस्टन है जिसका मास एम और एरिया ए गिवन है। इसके अंदर क्या है, ये कंटेनर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर जस्ट बिलो दी पिस्टन। तो पिस्टन के नीचे कितना प्रेशर आएगा वो फाइंड करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये वाटर क्या कर रहा है, इस पिस्टन को बैलेंस कर रहा है। पिस्टन का वेट कितना आएगा, एम जी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। इस पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। और ये वाला जो इस पिस्टन पे लगने वाला फोर्स और ये वेट, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, लिक्विड हमारा बैलेंस कर रहा है। लिक्विड क्या कर रहा है, लिक्विड के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो लिक्विड रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। उसी रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो फोर्स कितना आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो मान लेते हैं इस पे प्रेशर कितना है, लिक्विड प्रोवाइड कर रहा है पी डैश प्रेशर इनटू इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए। अब यहाँ पे बैलेंस कर दें, पी नॉट ए प्लस एम जी इक्वल टू पी डैश ए। ए को अगर नीचे भेजेंगे तो पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए आ जाएगा हमारा पी डैश का वैल्यू।
यही आ गया हमारे पास आंसर। तो प्रेशर जस्ट बिलो द पिस्टन कितना है, इसके बराबर। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, हमारे पास यूट्यूब अपैरेटस है और इसके अंदर क्या है, इट कंटेन्स मरकरी। तो इसमें मान लो मरकरी भरा हुआ है, दोनों का लेवल हमने सेम क्यों लिया है, क्योंकि दोनों साइड मरकरी है, तो जितना लेवल यहाँ पे होगा उतना ही लेवल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ पे लगेगा मरकरी के ऊपर उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सपोज इनिशियली मरकरी हमारा एच हाइट तक है, अब क्या हुआ है, When 27.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इंटू वन लिम्ब, तो मान लेते हैं इस लिम्ब में हमने 27.2 सेंटीमीटर वाटर को भरा है, जब वाटर पोर करेंगे इनिशियल लेवल हमारा ये था एच हाइट वाला, अगर हम वाटर को पोर करेंगे तो वाटर क्या लगाएगा, मरकरी को पुश करेगा, मरकरी को पहली बात तो पुश करेगा, तो सपोज वाई लेवल तक पुश किया, जितना पुश करेगा उतना ही मरकरी हमारा राइज करेगा, उतना ही मरकरी राइज करेगा। तो जब हमने वाटर को भरा है तो वाटर 27.2 सेंटीमीटर तक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 27.2 सेंटीमीटर बना देंगे, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर इसे पुश करेगा, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा, तो वाटर इसे पुश करेगा, तो सपोज वाई पुश करता है मरकरी को नीचे, तो उतना ही मरकरी इस साइड पे राइज हो जाएगा, और अब हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। एक बार अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पता चल गई तो हम यहाँ पे सेम लेवल पे प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेते हैं ए और इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, ये वाई है ये भी वाई है, तो ये भी कितना आएगा, वाई आएगा, ये हमारा मरकरी है, ये हमारा क्या है, वाटर। वाटर का लेवल हमें पता है 27.2 सेंटीमीटर बोला गया है, तो ये पूरा कितना है 27.2 सेंटीमीटर्स। तो हाउ हाई डज द मरकरी राइज इन द अदर लिम्ब फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल, तो इनिशियल लेवल ये वाली लाइन थी, इनिशियल लेवल से कितना राइज किया है, मतलब वाई का वैल्यू हमें बताना है, और क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड्स ऑन टू साइड। तो यहाँ तक था हमारा, तो देख लेंगे इसका डिफरेंस और इस वाटर वाले का डिफरेंस,
ये जो छोटा सा डिफरेंस आएगा उसको भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे पहले तो नोट कर लें, पॉज करके क्वेश्चन लिख लें, वो डायग्राम बना लें। देखते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है हम प्रेशर को बैलेंस करते हैं। प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए पर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस वाटर वाले की वजह से जो प्रेशर आया होगा, रो वाटर जी इंटू हाइट हमारा है 27.2 सेंटीमीटर्स। हाइट को हम सेंटीमीटर में ही पुट कर रहे हैं। प्रेशर एट बी कितना आएगा? पी नॉट प्लस पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, रो एच जी डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू टू वाई। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो रो डब्ल्यू 27.2 इक्वल टू रो एच जी टू वाई। ये आ गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600 इंटू टू वाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10। 2 6 12, 2 3 6, 17, 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आएगा। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 सेंटीमीटर, मतलब y का वैल्यू आ गया है 1 सेंटीमीटर। तो कितना राइज किया हमारा? 1 सेंटीमीटर। और डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस इन लेवल कितना डिफरेंस आएगा? ये वाला 2y, तो हमें डिफरेंस पॉजिटिव लेना है। हमें नहीं पता किस साइड ज़्यादा है किस साइड कम है, तो किसी को भी माइनस कर देते हैं। हम मॉडुलस ले लेंगे, इस साइड 2y माइनस 27.2 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? 2 इंटू 1, वाई का वैल्यू 1 था, 27.2 दिख रहा है। यहाँ पे कितना कम लेवल है? 27.2 माइनस 2, 25.2 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे जो मरकरी राइज किया होगा वो कम राइज किया है। तो एक्चुअल में डायग्राम कैसा होना चाहिए? अगर ये मरकरी का लेवल है तो वाटर का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका है 27.2, ये कितना है? 25. ये हमारा आ गया 2 by 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 25.2 सेंटीमीटर्स। तो सीधी सी बात है कि मरकरी उतना राइज नहीं करता है सेम प्रेशर के लिए, मरकरी में राइज कम का होता है। तो आंसर हमारा आ चुका है 25.2 सेंटीमीटर, वाई का वैल्यू आ गया है 1 सेंटीमीटर। नोट कर सकते हैं पॉज करके।